सो एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें इसमें बताना है, कुछ एग्जांपल देनी है पी एक्स क्यू एक्स एंड जी एक्स आर एक्स जो कि सेटिस्फाई करें इन डिवीज़न एल्गोरिथम को। तो हमें पहले पार्ट में बताना है डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर होती है, होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स के, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता दूँ, जैसे कोई नंबर है 3 / 2, हम जो है 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पता चल गया 1। तो ये हमारा आर एक्स हो गया जो कि रिमाइंडर है, ये हमारा डिविडेंड हो गया जो कि पी एक्स होता है, और ये हमारा हो गया क्वेश्चेंट जो कि क्यू एक्स होता है, और जो डिवाइड करता है उसको हम डिवाइजर कहते हैं यानी जी एक्स, ठीक है। तो डिग्री असल में क्या होता है, जैसे कोई एक्स क्यूब प्लस 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री होती है। सो हमें जो पता करना है, तो मान लेते हैं इसमें लेट अस एज्यूम जो जी एक्स है टू बी अ स्मॉल नंबर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जी एक्स इक्वल टू 2, एंड लेट पी एक्स विच इज इक्वल टू 2x + 4, ठीक है। तो हमारा क्यू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करके अगर हम देखें 2x + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 into x, तो 2x के बराबर आएगा, और 2 2's are 4। सो ये कितना आ गया, यही असल में जी एक्स है हमारा। सो जी एक्स की वैल्यू यहाँ से हो गई x + 2, और आर एक्स कितना आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या पता करना था, हमें बताना था डिग्री जो है पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो हेंस डिग्री अगर देखी जाए पी एक्स की, देखिए पी एक्स की डिग्री कितनी है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है तो 1 हो गई, और डिग्री बतानी थी क्यू एक्स की। तो देखिए इसमें क्यू एक्स कितना आ गया x + 2, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है एक्स की 1 ही है, तो डिग्री पी एक्स की भी 1 आ गई क्यू एक्स की भी 1 आ गई। तो हैंस यही हमें बताना था, देयरफॉर डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर हो गई डिग्री ऑफ क्यू एक्स। सो दिस इज़ द आंसर।